लवली स्टूडेंट्स, दिस इज आध्या। वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 14 के साथ स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.5, चैप्टर है पॉलीनोमियल्स, क्लास 9 का। तो देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 ये कहता है कि विदाउट सॉल्विंग क्यूब्स, आपको क्यूब सॉल्व नहीं करनी है और इनका आपको सॉल्यूशन भी निकालना है, यानी कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग क्यूब्स। तो आपकी ही एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है जो कि मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ। आपको क्यूब्स को खोलना नहीं है और बिना क्यूब्स को खोल के इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे? हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको एक आइडेंटिटी बताई थी। इफ x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 0, देन x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। अगर आप इस आइडेंटिटी को लगाना चाहते हैं तो आप पहले बेसिक्स का सम करके देखेंगे। अगर हमारे बेसिक्स का सम 0 आ रहा है तो हम इस आइडेंटिटी को डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ए बी सी, यानी कि हमारे जो बेसिक्स हैं, इनका सम कर लेते हैं साइड में। ठीक है, हम इसकी वर्किंग दिखा रहे हैं। -12 + 7 + 5, आप इसको सॉल्व कीजिए। माइनस प्लस माइनस, 12 में से 7 गया 5, साइन ग्रेटर नंबर का, अलग अलग साइन है, नंबर सेम है, कैंसिल हो गए, 0 आ गया। आप क्योंकि a प्लस बी प्लस सी, आप यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 शो कर दिया है हमने, therefore तो हमारी ये आइडेंटिटी बन जाती है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc होता है। तो इसको हम डायरेक्ट अप्लाई अब कर सकते हैं। हमारे लिए a है -12 और b है हमारे लिए 7 और c है हमारे लिए 5। तो आप क्यूब्स खोल नहीं रहे हैं, सिर्फ 3abc वैल्यू निकालेंगे और इनकी क्यूब्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो आप a की जगह रिप्लेस कर रहे हैं -12 को, b की जगह 7 को और c की जगह 5 को। 12 3 36, साइन माइनस का आएगा। 7 5 35, साइन माइनस का इसलिए आएगा क्योंकि सिंगल है, और 36 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 6 0। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया बिना क्यूब्स को खोले। तो ये तभी आप कर पाओगे जब आपको ये आइडेंटिटी पता होगी। तो अब हम इसका लेते हैं सेकेंड पार्ट, ताकि आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा, एमसीक्यू में भी आपको इसको फेस करना पड़ सकता है, तो आपको आना चाहिए। तो इसका सेकेंड पार्ट है 28 का क्यूब प्लस माइनस 15 का क्यूब प्लस माइनस 13 का क्यूब। अब इसमें भी आपको क्यूब्स को खोलना नहीं है और डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकालनी है। तो डायरेक्ट वैल्यू निकालने के लिए एक छोटा सा स्टेप पहले करना है। आप वर्किंग में शो करिए कि इनके बेसिस का सम कितना आ रहा है, इस तरह से। साइन साथ में कॉपी किया है हमने, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 28 में से 15 गया 13, 13 माइनस 13 और ये आ गया है 0। अब क्योंकि हमारे पास इनके बेसिस का सम 0 आ गया है तो हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं। हम यहाँ लिखेंगे बिकॉज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। क्योंकि इनके बेसिस का सम 0 आया है, सॉरी मुझे यहाँ पर पहले आइडेंटिटी नहीं, पहले हमें मुझे ये लिखना है बिकॉज ए प्लस बी प्लस सी का सम 0 आ चुका है, therefore आइडेंटिटी हमारे पास आ गई a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। अब हम इस आइडेंटिटी में पुट कर देते हैं इनको। 28 का क्यूब a हो गया, b हो गया -15 और c हो गया -13, और वैल्यू हमें 3abc के अकॉर्डिंग लेनी है। नीचे लिख दिया मैंने 3, a आ गया है 28, b आ गया है -15 और c आ गया है -13। 28 3 हो गया 84, 2 माइनस है कैंसिल हो गए, 15 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 195
और इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 16380। तो हमने बिना क्यूब्स को खोले इनकी वैल्यूज निकालनी सीख ली है। तो एक छोटा सा स्टेप मैंने आपको सिखा दिया है कि कैसे इनके बेसिस का सम जीरो आएगा, तो हम डायरेक्ट वैल्यू पता लगा सकते हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ। गुड बाय दोस्तों।